हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अमीश एडिट। तो आज इस वीडियो में आपके लिए एक नई थीम लेकर आया हूँ जो वॉर मूवी पर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पिक्सार में बैकग्राउंड ओपन करना रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। बैकग्राउंड ओपन हो जाने के बाद यहाँ से सिंपली आपको ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको जो फोटो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा इसे रिसाइज कर लीजिए, बैकग्राउंड के साइज से सेट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिक है वो भी सेट हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने इसे ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। कैसे कट करना है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फिर यहीं से सेव कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक और PNG का यूज़ किया हुआ है, उसे भी ऐड कर लेते। तो अगेंस्ट ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको जो PNG है उसे यूज़ सेट कर लीजिए। सेट हो जाने के बाद यहाँ पर फुल रिसाइज कर लीजिए। आप फुल रिसाइज हो जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली बैंड पे जाना है और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन हो जाने के बाद यहाँ से ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स और एक वॉर का PNG यूज़ किया हुआ है, उसे भी सेट कर लेते। तो अगेंस्ट आपको ऐड फोटो पर जाना है। एयर फोटो पर जाने के बाद आपको वॉर का जो PNG है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर बैकग्राउंड की साइज से सेट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो वॉर का PNG है वो भी लग चुका है। तो सिंपली यहाँ से डन कर दीजिए। ये ख़त्म हो जाने के बाद फ्रेंड्स, मैंने और एक PNG का यूज़ किया हुआ है, उसे भी सेट कर लेते। उसे सेट करने के लिए अगेंस्ट आपको एयर फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद PNG उसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फुल रिसाइज कर सेट कर लीजिए बैकग्राउंड के साइज से। ये हो जाने के बाद ब्लैंक पर जाना है और स्क्रीन कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिक्सार्ट का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। अभी ये फ़ोटो हम लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेंगे, ताकि इसका जो कलर का करेक्शन है वो कर सकते हैं। वो सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से सिंपली ओपन कर लीजिए। ओपन हो जाने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर आपके जो फेस पे थोड़ा ग्लो कम लग रहा है तो उसे बढ़ाएंगे। जो जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड पर प्लस का सिंबल है, उसे क्लिक करना है और जो राउंड सर्कल है आपके फेस को साइड से सेट कर लेना है। और यहाँ से ब्राइटनेस पर जाना है और थोड़ा प्लस 61 कर देना है और सिंपली डन कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद यहाँ से आपको लाइट पर जाना है। लाइट पर जाने के बाद सभी ऑप्शन हम ट्राई करके देखेंगे। जो फ़ोटो पर जो ज़्यादा बेहतर लगेगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे बढ़ा कर देखते हैं। तो इसे हम -21 कर देते हैं। जो कॉन्ट्रास्ट है उसे भी कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो हम इसे सिंपली 21 पे कर देंगे। उसके बाद हाईलाइट पर जाएंगे। हाईलाइट भी तो हम थोड़ा बढ़ा कर देखते हैं। तो हम इसे सिंपली 10 पर रखेंगे। शेडो पर जाएंगे, शेडो पे भी कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। तो हम इसे भी सिंपली 9 पे रखेंगे। वाइट्स जो ऑप्शन है उसे भी ट्राई करके देखेंगे। हम इसे सिंपली इसे भी प्लस 11 पर रखेंगे। उसके बाद ब्लैक्स पे जाएंगे, इसे -10 पर रखेंगे। फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद टेम्परेचर पे जाना है। टेम्परेचर पे जाने के बाद मिक्स ऑप्शन है। मिक्स ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर येलो है जो उसे सिलेक्ट करना है और जो हुई है उसे भी ट्राई करके देखेंगे। हम इसे -10 पर रखेंगे। सैचुरेशन को देखेंगे, इसे +11 कर देंगे। लैमिनेशन को देखेंगे, फ्रेंड्स इसे -10 पर रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो जाने के बाद यहाँ से आप सिंपली इसे डन कर लीजिए। डन होने के बाद यहाँ पर आपको एस शॉट है उसमें जाना है और
कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद अब यहाँ पर इसका जो सेचुएशन है वो थोड़ा बढ़ा देंगे, प्लस 10 कर देंगे, टेम्परेचर प्लस 8-9 कर देंगे, और उसके बाद जो टीन है उसे भी इफेक्ट करके देखते हैं। तो इसे सिंपली यहाँ से प्लस 16 कर देंगे। हो जाने के बाद यहाँ पर शार्पनेस पे जाएंगे, इसकी थोड़ी शार्पनेस प्लस 12-10 कर देंगे। उसके बाद जो क्लियर नॉइज रेडिएशन है उस पर भी जाएंगे, कलर नॉइज, तो इसे भी प्लस 10 कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो फोटो है वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ से आपको सेव करना रहेगा, तो शेयर ऑप्शन पर जाइए और सेव टू डिवाइस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।